डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेज। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बारे में, जिसमें हमने लाइट की इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। इंटेंसिटी तो हमने डिस्कस किया था, इंटेंसिटी का इफेक्ट, फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट और वोल्टेज का इफेक्ट। वोल्टेज तो ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए थे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन सब के साथ कैसे चेंज होती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, तो हमने ये सीखा था जैसे ही हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं होती थी, जबकि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते थे उनकी स्पीड इंक्रीज होती थी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती थी, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती थी। इंटेंसिटी को जब हम इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चेंज होती है। अगर लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाती है, बट उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉनों की, उस पर कोई चेंज नहीं आता था। ये हम डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है उसको समझते हैं। तो मान लो ये अपनी कोई एक मेटल सरफेस है, तो सपोज एक मेटल सरफेस है, इसके ऊपर लाइट आती है, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है। तो इस लाइट की फ्रिक्वेंसी, सपोज दैट इनिशियल में इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो एक्स है, तो जैसे ही इस फ्रिक्वेंसी की लाइट आती है तो हम देखते हैं इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते हैं। फिर हमने थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज किया, मान लो फ्रिक्वेंसी अब हमने X1 कर दी, तो भी हम देखते हैं इस मेटल में से कोई इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हमने फ्रिक्वेंसी को और चेंज किया, इंक्रीज किया, जैसे ही हम फ्रिक्वेंसी X2 करते हैं तो उस केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी अगर होगी तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, बट जैसे ही फ्रिक्वेंसी इसके इक्वल हो जाएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद और अगर हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होते रहेंगे। क्लियर है? तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जिससे कम फ्रिक्वेंसी की लाइट से मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्लियर है? तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है द मिनिमम फ्रिक्वेंसी, द मिनिमम फ्रिक्वेंसी बिलो विच इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक प्लेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्लियर है भाई? तो जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होगी तब तक मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। तो स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम यूज करते थे सूटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट। तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। उसके बाद देखो, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम न्यू नोड से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अगर इस लाइट की देखो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है तो इस लाइट की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, कुछ ना कुछ स्पीड होगी, और तीनों में हमें रिलेशन ये पता है, वेलोसिटी होती है उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखो हर फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर हम न्यू से लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू न्यू। तो कोई भी जो वेव होगी तो उसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। तो जब उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू नोट होगी तो उस समय उसकी जो वेवलेंथ है उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और उसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा नोट से। क्लियर है कि नहीं?
और यहां से आप ये रिलेशन ये भी देख पा रहे हो कि वी अपॉन लैम्डा नोट इक्वल्स टू हो जाएगा न्यू नोट, क्लियर है भाई। तो फ्रीक्वेंसी जब ये वेवलेंथ जब मैक्सिमम होगा उस केस में फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होते हैं, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा नोट से, क्लियर है। तो इतनी ये जो स्टोरी है ये अपने को समझ में आ जानी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है। तो डेफिनेशन हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, और इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ होगी उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्लियर है भी। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो हमने स्टडी किए हैं उसके बेसिस पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ रूल्स बनाएंगे जिसको हम स्टडी करेंगे।